नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है रेलवे परीक्षार्थियों के लिए, तो मैं चाहूंगा आप लोग अगर जो इस वीडियो पे आ गए तो स्किप करके मत जाना। स्किप करके जाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम बात करेंगे टारगेट 60 डेज का, और भी दिन बचे हैं रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में, लेकिन हम 60 दिन का टारगेट लेके चलेंगे कि किस प्रकार से आप अभी से भी कमर कस के तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, सर स्कोर नहीं बढ़ रहा, 40-45 ही आ रहे हैं, क्या करें कैसे करें। आप सिर्फ सोचते रहते हो, करते तो कुछ हो नहीं। मैं 30 डेज का पूरा टाइम टेबल चला रहा हूं, आपको पता है लगभग 23 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। क्या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? क्या आपने उसे कम करने की कोशिश की है? नहीं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध लो कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, हमें रातों से लड़ना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, हमें रातों से लड़ना पड़ता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें प्रत्येक विषय में कितना करके आने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे रेलवे ग्रुप डी स्पेशली एनटीपीसी वाले इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उन माँ बाप के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, 3 साल हो गए हैं और अब यहाँ पे मौका है आपके बच्चे के पास, एक बार फ़ोन करिए, बात करिए उससे और उसे भी मोटिवेट करिए। और आप सब बच्चे भी, आपके माँ बाप आपके आपका घर पे वेट कर रहे हैं, बाहर तैयारी कर रहे हो, तो आप सब भी थोड़ा सा ध्यान दो। और यही अच्छा मौका है, कुछ कर दिखाने का मौका है, कुछ कर गुजरने का मौका है। सबको नहीं मिलता, क्या पता आगे आने वाले टाइम में कब वैकेंसी आए या नहीं आए, तो यही आखिरी मौका मान के आपको तैयारी करना है, ठीक है। और पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं होती, भले वो किसी तरह ग्रहण की गई हो, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए बात करें यहाँ पे एनटीपीसी के लिए 35,277 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है। मई 2022 में CBT2 एग्जाम प्रस्तावित है। लगभग 3.5 लाख बच्चे पास हो चुके हैं और इसमें लगभग 7 लाख यानी कि 3.5 लाख के आसपास और इसमें रिजल्ट आएगा, ठीक। और इसमें रिजल्ट आएगा, ठीक। रेलवे ग्रुप डी की बात करें, 1,07,000 वैकेंसी है। जुलाई 2022 में इसका एग्जाम प्रस्तावित है। तो ग्रुप डी के हिसाब से देखें तो अभी भी बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी हम 60 दिन का लेके चलेंगे कि 60 दिन में हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। खैर, आप सभी से निवेदन है, आप लोगों ने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी क्लासेस चल रही हैं, सारे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रख के कराई जा रही हैं, ठीक। चलिए हम बात करें, 1,07,39 टोटल वैकेंसी है, 3 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे। अगर जो 3 गुना बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 3,09,000 के आसपास, 3,10,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होंगे फॉर PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। खैर, हम एक और बात पे गौर करना चाहेंगे कि जब आपकी 62,000 वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी चल रही थी, तभी आपकी 1,03,000 वैकेंसी आ गई थी, यानी कि ये 62,000 वाला क्लियर नहीं हुआ था, यानी कि 62,000 वाले बच्चे भी यहाँ पे 1,03,000 रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाले हुए हैं। क्या वो भी एग्जाम देंगे? नहीं। 10% 5% बच्चे दे सकते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि वो बच्चे एग्जाम ना दें, दूसरे बच्चों को भी मौका दें, ठीक। अब इसमें चलो ठीक है, वो भी एग्जाम देते हैं, लेकिन 90% बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देंगे, जो एग्जाम जॉब पा चुके हैं। अब जब से ग्रुप डी का जॉब आया 1,03,000, उसके बीच में आपका रेलवे ग्रुप डी का 62,000 सिलेक्शन हुआ, RPF का सिलेक्शन हो गया, ALP का ज्वाइनिंग सिलेक्शन हो गया, UPP का लगभग 50,000 वैकेंसी UPP का क्वालिफाई हो गए बच्चे, SSC में क्वालिफाई हो गए बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, RPF में 7-8,000 पोस्ट था, ALP में 28-30,000 पोस्ट था, UPP में 50,000, SSC GD में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक। तो क्या ये जो सेलेक्ट हो गए हैं, क्या ये बच्चे एग्जाम देंगे? हाँ, 90% बच्चे एग्जाम यहाँ पे ये वाले ड्रॉप करने वाले हैं, छोड़ने वाले। और ये बच्चे वो थे जो क्रीमी लेयर में आते थे, जो पढ़ने में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थे, तो ये बच्चे जब एग्जाम छोड़ेंगे तो किसका नंबर आएगा? आपका नंबर आएगा। और वैसे भी एवरी एग्जाम की बात करें, कोई भी एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उसमें 25-30% बच्चे एग्जाम छोड़ते ही छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल से मतलब ये होता कि ये होता ही है, सीधी सी बात, आप उठा के इतिहास देख लो, भूगोल देख लो, ठीक है। और इस बार रेलवे ग्रुप डी पे देखना, लगभग 40% के आसपास बच्चे एग्जाम को ड्रॉप करेंगे, यानी कि 60% बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जो भी फॉर्म भरा गया है। अगर जो 2018 से एक और कंपैरिजन करते हो, जहां पे 1,65,00,000 फॉर्म भरे गए थे, इस बार सिर्फ 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी 62,000 के हिसाब से 1,03,000 है, ठीक। तो वो कट ऑफ आपको पता होगा, अब कट ऑफ क्या जाएगा ये आप अंदाजा लगा लेना। खैर, हम आते हैं यहाँ पे 60 डेज प्लान पे। हमारा टारगेट है 70+ क्वेश्चन, किसी
किसी भी तरीके से आप कर जाओ। मैं नंबर्स की बात नहीं करता, मैं क्वेश्चंस की बात करता। आपको पता नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, तो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको दूरी बना के रखनी है। क्या बना के रखनी है? दूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है रिस्क लेना है, ठीक है, रिस्क मत लेना बाबू। टाइम बच गया तो हम तुक्का मारने लगे तो यहां पर भी आप गलत हो जाओगे। ठीक, चलिए हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की बात हम बार बार क्यों करते हैं भैया? क्योंकि मैं ये भी बोलता हूं कि अगर जो आप 4 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए, तो कम से कम 2 घंटा आप वहां पे रीजनिंग के लिए दो। आप कहोगे हमको रीजनिंग आता है, हम 18-20 क्वेश्चन लगा लेते हैं अच्छे से, हम 22 क्वेश्चन लगा देते हैं, तो आप गलत हो बाबू, आप गलत हो। आप बोलते हो भैया कि हमारे 40-45 हो रहे हैं, हम क्या करें, नहीं हो पाता। तो 40-45 होने का सबसे मेन रीजन है आपका, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, आप मोटिवेट नहीं हो रहा है, सबसे मेन रीजन है आपका रीजनिंग। क्योंकि ये क्या बोल रहे हो आप सर, रीजनिंग, रीजनिंग से कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना, रीजनिंग से मोटिवेशन से क्या लेना देना? लेना देना है बाबू, बहुत लेना देना है। आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे 1/3 यानी कि 100 में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और एकदम दावे के साथ कहता हूं जिस दिन आपने रीजनिंग में 25 कर लिया उस दिन आपका प्रैक्टिस सेट में टोटल स्कोर 55+ जाएगा, और जिस दिन आपका स्कोर 55+ जाएगा उस दिन आप खुश हो जाओगे बाबू, मिठाइयां बांटोगे। आप कहोगे मैंने 55+ किया तो मैं 60-65 भी कर सकता हूं, 55+ पे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप मोटिवेट हो गए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यही एक तरीका होता है, आपने देखा है एक बच्चा एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होता, 10-10 एग्जाम देता नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो बच्चा एक छोटा सा एग्जाम निकाल लेता है ना, उसके बाद उसके दरवाजे खुल जाते हैं, बैक टू बैक वो एग्जाम देता है, निकलता चला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। इस ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव सोचते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे थे किसकी? हम रीजनिंग की बात कर रहे थे। जिस दिन आप रीजनिंग में 25-26 करने लगोगे, और 26 नहीं 28-28 बच्चे करके आते हैं, मैं तो आपको फिर भी बोल रहा हूं अगर जो नहीं आता तो आप 25 छोड़ सकते हो। आप इसका टारगेट बना लो कि जिस दिन मैं रीजनिंग में 25, ये आपको करना ही करना है, सिलेक्शन लेना है, पास होना है। आप इसमें एक्यूज नहीं दे सकते, मैं कह रहा हूं कि भैया 30 क्वेश्चन आते हैं, आपको रीजनिंग में जो टॉपिक नहीं आता मत पढ़ो, लेकिन 5 क्वेश्चन छोड़ो, उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे तो 2-3 क्वेश्चन आएगा छोड़, लेकिन आपको 25 तो कर सकते हो, इतना तो आप, बहाना नहीं चलेगा भाई, बहाना नहीं चलेगा। आप बहाना बनाओगे कि नहीं ये वो ये, तो आपको मैंने बोला कि 4 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो तो 2 घंटा रीजनिंग के लिए तो दो, तो ये आपको करना पड़ेगा। और रीजनिंग में 25 करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 18-20 पहले से कर रहे हो, मुझे पता है 18-20 कर रहे हो। आप थोड़ा सा एनालाइज करो किस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जिस टॉपिक के नहीं हो रहे उसको रट डालो, उसको पढ़ डालो, उसको समझ डालो, यूट्यूब से कहीं से भी किसी टीचर को पकड़ो, लेकिन पढ़ डालो, समझ डालो, रट डालो, ठीक। हाँ, रीजनिंग की बात कर लिए, 25 आपका ये होना चाहिए टारगेट। हम मैथ की भी बात कर लेते हैं। आप कहते हो मैथ वीक है सर मेरा, मैथ वीक है ना, आपने इसको लगाया है मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस पेपर लगाया, 14-15 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ इस नोट से, इस पीडीएफ से रहने वाले हैं, फंसने वाले हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से, दावे के साथ कर सकता हूं। इस तरीके से बनाया मैंने 14-15 क्वेश्चन। ये मत कहना कि सर वही क्वेश्चन नहीं आए आपके, वही क्वेश्चन नहीं आएंगे बाबू, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन उसी टाइप के क्वेश्चन आपके 14-15 क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे हमारी मैथ की पीडीएफ हो, चाहे हमारी साइंस की पीडीएफ हो, चाहे हमारी मास्टर प्रैक्टिस सेट की हो, चाहे करंट अफेयर्स की, चाहे स्ट्रेटेजी की सारी, लेकिन मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके लो। अब यहां पे बात करते हैं मैथ की, यहां पे टारगेट क्या होना चाहिए आपका, ठीक, यहां पे टारगेट क्या होना चाहिए? 22 नहीं, 22 कहोगे सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। पेपर ऐसे बनता, देखो 25 आते हैं ना तो पेपर ये बनाएंगे कि भैया 12 क्वेश्चन हम बहुत सिंपल दे देंगे ग्रुप डी में, 7-8 क्वेश्चन नॉर्मल देंगे मीडियम लेवल के, मॉडरेट करके, उसके बाद 5 क्वेश्चन टफ दे देंगे। हम मान लेते हैं कि भैया कि आपको 25 में मैथ आया, 25 आया, तो 25 में 5 क्वेश्चन हार्ड आ गए, तो आप हार्ड वाला नहीं कर पा रहे हो, चलो कम से कम 20 क्वेश्चन कर सकते हो। चलो भैया मॉडरेट वाले 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आप क्या करें, चलो मॉडरेट वाले भी 2 क्वेश्चन छोड़ दो, टारगेट आपका 18, इससे कम तो मैं नहीं दूंगा, इससे कम तो नहीं दूंगा, ये आपको करना पड़ेगा,
कैसे करोगे मुझे नहीं पता। पिछले 30 दिनों से लगातार 23 दिनों से 23 दिन से लगातार मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं कि आज मैथ का ये टॉपिक रिवीजन करना, कल ये टॉपिक रिवीजन करना, परसों ये टॉपिक रिवीजन करना। भाई सब्सक्राइब करोगे तब तो पता चलेगा क्या चीजें चल रही हैं। और जैसे 30 दिन खत्म होगा आप कहोगे सर मुझे फिर से टाइम टेबल के साथ आपको फॉलो करना है, तो मैं फिर से टाइम टेबल फॉलो कराऊंगा, नया टाइम टेबल बना के आपको दूंगा। लेकिन आप फॉलो तो करो, एक दो दिन चार दिन करने से उसके बाद पांचवें दिन छूट जाता आप खुद, अरे होगा देखा जाएगा। तो ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू, ठीक, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक, चलो ये मैथ का टारगेट कैसे करना भाई, पीडीएफ के बारे में मैंने बताया। बाकी आप पहला काम, अभी भी टाइम है, चैप्टर वाइज रिवीजन करना शुरू करो। जो भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो आपको पता होगा कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं और किस टॉपिक के प्रश्न नहीं बन रहे हैं, उस पर आप काम करो। साइंस की बात कर लेते हैं, साइंस के लिए 22 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर जो आपने मेरे साथ साथ तैयारी की है तो। देखो साइंस की बात करें, मैंने साइंस के लिए इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, साइंस के लिए मैंने क्या क्या करा दिया। जो बच्चे साइंस शुरुआत से देखना है भाई, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहीं बाहर से थोड़ी आएगा, बुक से ही तो बनाएगा है। मैंने देखो, मैंने रुक्मणी की पूरी बुक फिजिक्स बायोलॉजी करा दी है। अभी मैं खान सर की 15,000 प्लस वस्तुनिष्ठ बुक करा रहा हूँ। इसके अलावा साइंस का मेरा पीडीएफ कंप्लीट रट डालो, सभी लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसके अलावा आपने लूसेंट से साइंस पढ़ी रखी है, हैं, लूसेंट से साइंस पढ़ी रखी है। इसके बाद मैं यूथ कंपटीशन का बुक कराने वाला हूँ, तो इसलिए बोला 22 नंबर कहीं नहीं गए। चलो 22 नहीं तो इसका टारगेट मैं आपको दे देता हूँ कि साइंस के लिए तो 20 करना ही पड़ेगा, 20 आपको करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। खान सर की जो बुक चल रही है फिजिक्स और बायोलॉजी, वो देखते रहो चैप्टर वाइज, ठीक है। क्लासेस चलती हैं 19 चैप्टर बायोलॉजी में, जिसके 7-8 चैप्टर हो चुके हैं बायोलॉजी के, और 8-9 चैप्टर आपके फिजिक्स के हो चुके हैं, फिजिक्स में 15 चैप्टर है, दोनों लगभग 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये देखते रहो, और चलो एक दो नंबर इसमें गलत भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलतियां कम करना, गलती करना ही नहीं है। करंट अफेयर्स और जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात 7-8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ सकते हैं। स्टैटिक जीके बाकी रहेगा, जो भी 12-13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके रहेगा। तो इसमें मैं कितना टारगेट रखूं बताओ, इसमें मैं आपका टारगेट क्या रखूं बताओ, कितना कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो आपको, कितना कर लोगे आसानी से है? चलो इसमें हम मान लेते हैं आपका 12 रखें, 12 करंट अफेयर्स पूरा पढ़ते रहो, पीडीएफ हमारा, या फिर स्पीडी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, रुक्मणी पब्लिकेशन की, वो बेस्ट है, ठीक। चलो हम 12 का टारगेट रखते हैं इसमें, 12 का। चलो अब यहाँ पे देखो, आप सिर्फ इतना, मैंने ज्यादा नहीं बोला कि किसमें कितना। आप कहोगे सर कहना आसान है करना मुश्किल है, करना शुरू तो करो, आसान लगने लगेगा। जब करोगे ही नहीं तो मतलब कुछ चीजें होंगी नहीं, ठीक। हमने मैथ के लिए क्या बोला, मैथ के लिए मैंने बोला 18। हमने रीजनिंग के लिए क्या बोला, हमने बोला कि लेके चलो 25, इसमें तो कोई कंसेशन नहीं चलेगा, ठीक। हमने साइंस के लिए बोला, आपके कहने पे मैंने 20 कर दिया, ठीक। हमने आपका करंट अफेयर्स जीके के लिए बोला, आपके कहने पे मैंने 12 कर दिया। अब जोड़ो कितना होता है, अब जोड़ो कितना हुआ, अगर जो 18 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 12 जोड़ते हो तो आपके 75 निकल के आते हैं, कितने 75। ये आंकड़े आपको चौंका सकते हैं, तो ध्यान से देखें, ठीक। अब चलो 75 आ गए, अब यहां पे देखो, मान लो इतना एक्यूरेसी के साथ किया, अब 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो भी आपको कोई भी जोन हो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, आप फिर भी 72-73 सही करके आओगे। इस प्रकार से आपको सिर्फ 75-77 क्वेश्चन करना, 80 आता है तो 80 करो, लेकिन 75 तक पहुंच गए हो और आपको और नहीं आता तो आपको आगे पेन डुलाने की जरूरत नहीं है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप मैं जो कहना चाहता था, मैं जो समझाना चाहता था, आप चीजों को समझ गए। और निगेटिव मार्किंग कभी कभी आपको सिलेक्शन से रोक देता है, तो निगेटिव मार्किंग पे नहीं जाना कि भैया 1-2 मिनट टाइम बचा लो हम तुक्का मारना शुरू कर दे, तुक्का आपको पीछे खींचने का काम करेगा, ठीक है। तो लाइफ में मोटिवेट रहो, पढ़ते रहो, 75 करके आओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है, कहां पे समस्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं स्टूडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।